गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सभी को मेरा नमस्ते। ठीक तो नहीं हूँ, बहुत गर्मी है, गर्मी से परेशान हूँ। आई थिंक आप सब लोग भी गर्मी से बहुत परेशान होंगे। सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, यहाँ तो बहुत गर्मी है। बाकी आज सुबह सुबह जो मेरे गेस्ट थे, मतलब प्राची राहुल जो थे, वो निकल चुके हैं, बट मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अराउंड सुबह 4 बजे वो लोग निकले थे और हम सब इतने थके हुए थे ना कि मतलब था ही नहीं ऐसा कि कुछ शूट करें, कुछ करें, तो मैंने नहीं किया। आप लोग को पता ही है, लास्ट 4-5 दिन बहुत बिजी रहे हैं, शादी, फिर वो लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, घूमने क्या, सिर्फ वीकेंड के लिए आए थे, और इन सब में बहुत बिजी थे तो सब कुछ अच्छे से नहीं कैप्चर हो पा रहा था और मैं एक रेगुलर व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। आज संदीप जो हैं वो नहीं गए हैं, वो कल जाएंगे, तो आज का दिन है हमारा साथ में, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और घर के जितने भी पेंडिंग काम हैं जो मैं अकेले रहते हुए कबीर के साथ नहीं कर पाती हूँ, वो सब हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो उन पेंडिंग कामों में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी टाइम से पेंडिंग काम जो है वो है ये। जी हाँ, ये है मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैंने सिलवाने हैं, मतलब टेलर को देने हैं सिलने के लिए, और काफ़ी टाइम से अराउंड 6 महीने से, 6 तो नहीं, ये तो ये जो चीज़ ये देख रहे हैं ना, ये एक ब्लाउज का पीस है, गोल्डन कलर का है ये। और आपको एक बात बताऊं, ये ना मेरी शादी का जो लहंगा है ना उसके साथ का ये ब्लाउज है। ये गोल्डन कलर का कुछ ऐसा ब्लाउज आया था तो मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा था, मैंने सोचा कि जाएगा नहीं मेरे लहंगे पे, तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक अलग से रेड कपड़ा लेके अपने लिए ब्लाउज सिलवाया था अपनी शादी के जोड़े का। और ये कपड़ा मेरा तब से रखा है, मतलब 5 साल से ऊपर इसे रखे हुए हो गए हैं, तो अब सोच रही हूँ कि मुहूर्त निकलवा के इसे सिलवा ही लूँ। तो ये मैंने एक निकाला है, बाकी ये एक सूट पीस है, इस तरीके का कुछ है कढ़ाई वाला। ये मेरी मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ लेके आई थी मेरे लिए लास्ट टाइम जब वो आई थी, उस टाइम पे मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मेरी सासू माँ को, तो वो जब पंजाब गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। ये एक मैंने सूट सिलवाना है। बाकी अभी शादी में रिसेंटली हल्दी वाले फंक्शन पे जो मैंने साड़ी पहनी थी येलो कलर की, उस साड़ी के साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई। वो साड़ी ना थोड़ी सी यहाँ से टियर हो गई है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे कुछ टियर सी हो गई है ये। तो ये ना कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट और जॉर्जेट की साड़ी है और बहुत पसंद है मुझे, बहुत लाइट वेटेड है और इसका प्रिंट और इसका जो फैब्रिक है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका कुर्ती सिलवा लूँ, फ्रॉक, मतलब अनारकली कुर्ती जो कहते हैं ना, अनारकली अनारकली टाइप में, अच्छा लगेगा ना इस प्रिंट में, आई थिंक अच्छा लगेगा। तो अभी ये टेलर के पास लेके जाते हैं तो वही कंफर्म करेगा कि इसका बनेगा या नहीं। मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, तो मैं इसका एक अनारकली कुर्ती बनवाऊंगी। बाकी एक सूट सिलवाना है मुझे, थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का है, कभी चाहिए रहता है, और एक ब्लाउज है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट थोड़ी देर में, बाकी सारे घर के पेंडिंग काम निपटाने संदीप के जाने से पहले, तो आइए चलिए हमारे साथ। दोस्तों रेडी तो मैं हो गई हूँ, ये पहना है मैंने, ये मैंने शादी के फर्स्ट ईयर लिया था और अब मुझे काफ़ी टाइट होने लगा है, बट फिट आ रही हूँ उसमें, बहुत साल बाद मैंने पहना है। और ये वाली मैचिंग एयरिंग्स मैंने डाले हैं, ये भी मल्टी कलर है। बाकी अब जो मेरा वेट लॉस का, हाँ मैंने ये पहना ना तो मुझे याद आया कि मैंने वेट लॉस के लिए बोला हुआ था कि मैं करूँगी, मैं कर रही थी, बट आप लोग को पता ही है कि अभी शादी में जाना हो गया, फिर उसके बाद आए थे फ्रेंड्स लोग, तो घूमना हो गया, घूमना खाना हो गया, तो वेट लॉस पे तो ब्रेक सा लग गया है। बट अभी संदीप चले जाएंगे ना तो उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगी, ये बाहर का खाना वाना बंद कर दूंगी, जो मेरे गोलगप्पे वगैरह चल रहे हैं ना, और तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, गोलगप्पे खाए और मोमो खाए थे गोलगप्पे और मोमो खाए थे, तो उन सब पे फिर मैं ब्रेक लगा दूंगी। जब तक मैं अकेली रहूंगी तब तक वही घर का खाना और मीठा कम। वेट लॉस मेरा हुआ था, 2 केजी वेट लॉस हुआ था नोएडा से आने के बाद, बट आई थिंक वो फिर से गेन हो गया होगा,
शादियों में खाके और ये सब खाके, देखते हैं कोई नहीं हो जाएगा दोबारा से ट्राई कर लेंगे। कबीर के बाल, इसने आज मुझे बाल ही नहीं बनाने दिए। हाँ बेटा मैं भी आ रही हूँ, चलो 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 स्कूटी में ही बनाए जाएंगे आपके बाल, ठीक है। पुचकी में गेट लगा लूँ एक बार। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर में जाने वाले हैं दारी मन को छोड़ने के लिए स्टेशन पे। ये रहा व्यू और ये रहे हम। इस बार दुख नहीं मनाऊंगी, पिछली बार दुख मनाया था तो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था ना। इस बार नहीं मनाऊंगी, इस बार क्या खुशी खुशी अलविदा करो। कोई अलविदा अलविदा नहीं, सब करो, अभी आ जाओगे अभी हफ्ते। पति देव जी के लिए सीट एंगेज करने जा रही हूँ, सीट घेर में, क्योंकि हम लेट हैं आज। देखो सीट मिलती है या नहीं मिलती है, मिल तो जाएगी, बस अच्छी सीट मिलनी चाहिए। आगे सब सीट बची नहीं है अभी, क्या पीछे पीछे भी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट है। आप यहाँ नहीं बैठ रहे ना आंटी? फोर्थ क्लास सीट है, मुझे सीट बोल दिया आप इतना, कहाँ चले गए? विंडो भी खुल गई है, विंडो चेक। क्या मैं जा रही हूँ क्या? मुझे बस में बैठा के अपना पता नहीं कहाँ रह गए। कबीर को सोदा छोड़ के आई हूँ घर पे।